फैशन केवल परिधान तक ही सीमित नहीं, बल्कि वो रहन सहन, चाल ढाल, बोल चाल, लोक व्यवहार, मेकअप, फिनिशिंग आदि रूपों में फैला हुआ है। इसी कड़ी में नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2024 के तीसरे दिन के तीसरे सत्र में फैशन शो का भव्य आयोजन किया गया। द्वीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, अली अशोय एम्बेसडर ऑफ अल्जीरिया, डॉक्टर पंकज KP श्रेयस्कर, डिप्टी डायरेक्टर जनरल PIMD, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मौजूद रहे। कार्यक्रम में बुके भेंटकर अतिथिगण का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में ज्योति सैनी सिद्दीकी द्वारा डिजाइन की गई कॉफी टेबल बुक क्रिएटिविटी इन डेप्थ आर्ट इल्यूमिनेट्स लाइफ्स का विमोचन किया गया। फैशन शो में भारतीय संस्कृति को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया गया, जिसमें मॉडल्स ने भारत के अलग अलग राज्यों की प्रसिद्ध पोशाक को पहनकर और हाथों में किताब लेकर रैंप पर खूबसूरती और टैलेंट का जलवा बिखेरा, जिससे सभी गेस्ट और स्टूडेंट्स बहुत प्रभावित हुए और खूब वाहवाही की। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का शुक्रिया किया और कहा, मुझे स्टूडेंट्स की मेहनत देखकर बहुत खुशी हो रही है। फैशन डिज़ाइन कपड़ों और एक्सेसरीज पर डिज़ाइन और सौंदर्य को साकार करने की कला है। फैशन शो लोगों के बीच रुचि बनाने और उनके बीच नए आगमन के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करता है। 3 दिन के कार्यक्रम के बाद संदीप मारवा ने कहा, कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा, 76 देश इसमें शामिल रहे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी गेस्ट, फैकल्टी मेंबर, मीडिया सभी का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। Wonderful. I'm very happy to be here. It's every time proud and honored to be here in Marwa Studio in different activities. And today I have seen many wonderful things mixing between food, outfits, literature. Everything is good. I think you are doing very good job and very well job, and you are contributing to enhance the relation between different countries. Thank you. I am from Algeria, and I hope that this cooperation between Algeria and India in the culture will be continued. Thank you very much. It was a wonderful evening coming here. It was a great pleasure seeing the expositions of the young students, the fashion designers, and a mix of the confluence of the literature along with the fashion. It was a wonderful memory to carry with me in for the longer period of time, because I think it was a great innovation to have mixed the literary expositions along with the contours of the fashion. And I think these innovations must be appreciated and must be practiced much more in future. And I think such experiments are long overdue. And I believe that if such expositions are kept on being continued most of the times, I think the young students will get greater exposure, not only the fashion, but it will be solid grounded on the literary platforms. Wish you all the very best to this institute, to the president, Dr. Marwa, as also to the youngsters and the future students who are going to come back to this, and also to the faculty members. Thank you so very much. Thank you. 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2024 के तीसरे दिन के आखिरी कार्यक्रम से मैं बाहर आया हूँ। मैं गदगद हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत उत्साहित हूँ, प्रोत्साहित हूँ, और जिस खूबसूरत ढंग से AAFT स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइन के तमाम बच्चों ने जो प्रेजेंटेशन दी है रैंप के ऊपर, वो देखते ही बनती थी। चाहे वो मॉडर्न हो, चाहे वो साड़ियों का रूपरेखा तैयार की गई हो, चाहे वो विभिन्न देशों को लेकर ड्रेसेस तैयार किए गई हो, मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है इन बच्चों की तारीफ करने का। इन्हें 30 दिन का टाइम दिया गया था, उस 30 दिन के अंदर इन तमाम बच्चों ने दुनिया भर को लपेट कर एक रैंप के ऊपर इस खूबसूरती से बसे
चेहरा है जैसे नदी समुद्र में जाके मिल जाती है। और एक भी कुर्सी शायद खाली नहीं थी, कुर्सी पे कुर्सी और लोगों पे लोग चढ़े हुए थे क्योंकि लोग इस खूबसूरत फैशन शो को मिस नहीं करना चाहते थे और हर चीज का उसमें भाव था। बहुत ही मैं तो कहूंगा कि इमोशनल फैशन शो था क्योंकि आखिरी राउंड जो था वो उसमें सारे प्रदेशों को लेकर और विभिन्न ढंग से किस प्रकार से वहां की औरतें साड़ी और मेकअप और ज्वेलरी पहनती हैं उसे दर्शाया गया था। और उसी प्रदेश की जो चर्चित किताब है उसको लेकर रैंप के ऊपर मॉडल जो है वो बड़े खूबसूरत ढंग से चलकर लोगों के सामने आई थी। तो जो हमारा मकसद था इस पूरे ग्लोबल फेस्टिवल का वो पूरा होता नजर आया क्योंकि हम इसी फेस्टिवल के जरिए आम जनता तक, स्टूडेंट्स तक और जितने भी लोग यहाँ आए हजारों की तादाद में उन तक ये खास मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि पढ़िए, लिखिए और हमारे साहित्य को संभाल के रखिए क्योंकि जब आप लिखते हैं तो वो इतिहास बन जाता है और जो इतिहास है उससे साहित्य बनता है और साहित्य से जो है संस्कार बनते हैं और संस्कारों से देश की परंपरा बनती है। ये हमने हमेशा माना है और इसी चीज को हम लोग यहाँ पर इस फेस्टिवल के जरिए आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। सर, साहित्य और फैशन को जोड़ने का विचार आप लोगों के पास कैसे आता है? ये हमेशा रहता है, मेरी ये हमेशा सोच रही है कि कलाएं जो हैं वो उन्हें हर कला को मौका देना चाहिए। जब आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो जहां गीत हुआ, संगीत हुआ, जहां फैशन शो भी बीच में आया, किताबों की रिलीज हुई, उसके साथ साथ कवि सम्मेलन हुआ, मुशायरा हुआ, वार्तालाप हुई, सेमिनार और वर्कशॉप हुई, तो हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो किसी फेस्टिवल में कभी भी कहीं करवाई गई हो। और शायद यही वजह है कि ये फेस्टिवल अब बाकी फेस्टिवलों से बिल्कुल अलग है और अब तक तांता लगा है। अब तो हम लोगों के हाथ जोड़ रहे हैं कि फेस्टिवल खत्म हो चुका है लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। थैंक यू वेरी मच।